तो फाइनली दोस्तों बजाज अपनी CT 100 को फिर से हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे वापस लाने वाली है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाइक की जो प्राइसिंग है ये भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सस्ती ही देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी बाइक के बारे में डिटेल के साथ जानकारी दूंगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो बाइक का जो लुक है दोस्तों ये आप लोग देख ही सकते हैं, जो कि देखने के मामले में दोस्तों बाइक जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेट्रो स्टाइलिश भी लग रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लगा है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक में दोस्तों आप लोग को कुछ खास फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे कंप्लीट हेलोजन का लाइटिंग सेटअप दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक पे जो है कंप्लीट एनालॉग का मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप लोग को नॉर्मल सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं और सेफ्टी वाइज दोस्तों साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो दिया ही गया है। बाकी दोस्तों इस पे बता दूं कि आप लोग को इस बाइक पे USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। इंजन के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को प्लेटिना 100 वाला इंजन देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 7.8 BHP के आसपास में पावर और 8.4 NM तक का टॉर्क दिया गया है, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 4-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, जिसमें दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी गई है। माइलेज दोस्तों आप लोग को जबरदस्त देखने को मिलता है, जो कि लगभग आप लोग को 70 km/h के आसपास में इस बाइक से माइलेज देखने को मिलती है। बात करी जाए दोस्तों अगर प्राइसिंग के बारे में तो लगभग दोस्तों आप लोग को 90,000 रुपए के आसपास में इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक को दोस्तों 2025 में हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे बजाज कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कॉमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।